हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज पुरी रावत साइनिंग इन। और आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं मैंगो स्मूदी। मेरे चैनल पे आपको मिलेगा फूड रिलेटेड कंटेंट, तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए शुरू करते हैं मैंगो स्मूदी बनाना। स्मूदी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए मैंगोज। तो मैंने दो मैंगो चॉप करके रखे हुए हैं। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो स्मूदी में होता है, दही। तो मैंने एक कप दही ली है। इसके बाद हमें चाहिए होगा थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं, अराउंड 3-4 टेबलस्पून। और ये है शुगर। फिर मैं डालूंगी इसमें चिया सीड्स। चिया सीड्स कम्प्लीटली ऑप्शनल है, ये बहुत हेल्दी होते हैं, इसलिए मैंने यूज़ करे हैं। और गार्निशिंग के लिए मैंने लिए हैं आमंड्स। आप चाहें तो कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे पिस्ताशियो वगैरह। और ये है दूध। दूध हमको ज़्यादा नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जो मैंगोज हमने चॉप करके रखे हैं, हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो जो मैंगोज हैं मैं ग्राइंड में डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून शुगर। आप कोई सा भी शुगर यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन शुगर या पाउडर शुगर। मैं यहाँ पे नॉर्मल शुगर यूज़ कर रही हूँ। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ अराउंड 2-3 टेबलस्पून ऑफ वाटर। इसके बाद मैं इसे कर दूँगी ग्राइंड और इसका पेस्ट मैंने ये बना लिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, इस पेस्ट में से मैं थोड़ा सा अलग रख लूँगी बाद के लिए, और जो आधा इसमें बचा है उससे मैं बनाऊंगी अपनी स्मूदी। तो इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा दूध। दूध की क्वांटिटी हम कम रखेंगे दही से। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप दही। स्मूदी में सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है दही। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चिया सीड्स। चिया सीड्स बहुत हेल्दी होते हैं, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसका स्मूदी बना लिया है ग्राइंड करके, और आप देख सकते हैं चिया सीड्स बिल्कुल ही पाउडर्ड फॉर्म में आ गए हैं इसमें। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं इसे ट्रांसफ़र कर दूँगी एक ग्लास में। इसे ग्लास में ट्रांसफ़र करने के बाद जो हमने अलग से मैंगो रखा था वो मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। इससे इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगेगी और ये होगा भी बहुत टेस्टी। आप चाहें तो इसे एक बोल में भी बना सकते हैं, जैसे स्मूदी बोल्स होते हैं। इसके बाद इसके ऊपर मैंने चिया सीड्स रखे हैं और गार्निश कर रही हूँ मैं इसे आमंड से या बादाम से। और ये हमारी मैंगो स्मूदी बिल्कुल तैयार है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है साइड से भी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए। तो ये थी आज की रेसिपी। आप भी इसे घर पे बनाएं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें। मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।